प्रियंका गांधी वाड्रा के 28 फरवरी के वाराणसी दौरे की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में जुटे हैं, वहीं शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कांग्रेसी पूरी तरह से लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं कि प्रियंका जी का आगमन हो, जल्द से जल्द वो हमारे बीच में आवे। चाहे हमारे मेन कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, सब लोग, महिला कांग्रेस, जितने भी हमारे आनुषंगिक संगठन है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है और जबरदस्त कार्यक्रम होगा प्रियंका जी का। और जहां तक हम लोगों को उम्मीद है और जहां तक जानकारी आ रही है कि वो जरूर अपने उन पर जो हमारे परिवार के सदस्य जो गए हैं, जाबाज सिपाही हमारे इस देश के, उनके घर जरूर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनके परिवार से। परिदृश्य पूरी तरीके से दिख रहा है कि जो आज देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, आप ये देखिए कि एक तरफ पूरे देश के अंदर सहानुभूति की लहर चल रही है, हमारे सैनिक मार दिए गए, हमारे सीआरपीएफ के जवान, आर्मी का मेजर, आज फिर वो 3-4 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज शहीद हो रहे हैं और रोज, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रोज रैलियां कर रहे हैं, रोज भाषण दे रहे हैं। अभी आप कल की बात देखिए, हमारे भगवान स्वरूप, जिनको हम भगवान मानते हैं, आदि शंकराचार्य जी के जो स्वरूप है, शंकराचार्य जो बैठे हैं, स्वरूपानंद जी, उन्होंने जो संकल्प लिया था, साधु का संकल्प, महात्मा का संकल्प बहुत बड़ा होता है, वो संकल्प लेने के बाद भी उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का हम शिलान्यास करेंगे। उन्होंने उस जब देखा कि पूरे देश के अंदर सहानुभूति की लहर चल रही है, पूरे देश के अंदर एक लोगों के अंदर एक ऐसा वातावरण व्याप्त है कि शहीद परिवारों के घर में कोहराम मचा है, उन्होंने उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और प्रधानमंत्री जी रोज रैली कर रहे हैं, रोज भाषण दे रहे हैं और रोज जवान से पाकिस्तान को हरा रहे हैं, रोज पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं जवान से।